हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। देखो, जब टनल से अंदर जाते हैं तो कैसा नज़ारा होता है। देखो फ्रेंड्स, अब ये हम टनल में एंट्री कर चुके हैं और ये जो साइड में मशीन दिख रही है, ये होता है सोइल कंपैक्टर। जब हमारी रोड ख़राब होती है और उसमें जो हम मिट्टी वगैरह डालते हैं, जो भी फीलिंग डालते हैं, उसको कंपैक्ट करने के लिए ये एक सोइल कंपैक्टर है। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे होंगे कि हमारे ऊपरली साइड ये जो चार पाइप्स हैं, ये येलो कलर की, और इसको सोच रहे होंगे आप कि ये क्या है। ये एक फ्रेंड्स वेंटिलेशन पाइप्स है, इसको डक कहा जाता है। ये हमारा ब्लोअर पाइप है, इसमें जो है बाहर ब्लोअर लगा हुआ है, उसके थ्रू जो है हमारी ऑक्सीजन वेंटिलेशन अंदर टनल के लिए जाती है, जिससे हमारी गैस बाहर निकल पाए और अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो। और देखो फ्रेंड्स, उस साइड मेरी लेफ्ट साइड देख रहे होंगे आप, ये एक पाइप देख रहे होंगे आप, ये है डिवाटरिंग का। वाटर जो है हमारा अंदर आता है और अंदर टैंक में स्टॉक होता है, और अंदर जितने चार टनल हैं, इन चार टनलों में जो है हमारा पानी जाता है। और फ्रेंड, इस साइड देख रहे होंगे आपकी कुछ लाइटें जल रही हैं बिल्कुल एक लाइन से, और कुछ केबलें भी हैं। तो ये बोल रहे होंगे आपकी ये कंटिन्यू लाइटें क्यों जलती हैं। फ्रेंड्स, इसका ये कारण है क्योंकि परमानेंट हमारा कंस्ट्रक्शन काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है डे नाइट, और ये जो है हमेशा के लिए कंटिन्यू जली रहती हैं, इसलिए क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंटिन्यू चल रहा है इसके कारण। क्योंकि और इसमें जो ये दो केबलें दिख रही हैं, ये अंदर 11,000 वोल्टेज की केबलें जा रही हैं, और ये जो नीचे छोटी छोटी फाइबर दिख रही होंगी, ये नेट केबल है। और ये देखो हमारा यहाँ जो ये आपको टनल दिख रहा है, ये हमारा एंट्री का टनल है, मतलब एडिट है इसका नाम T15 गोचर। और आगे हम पूरा आपको व्यूज़ दिखाएंगे, और आगे कौन कौन सी मशीन जो भी हमें कहीं बीच रास्ते में मिलेंगी उसको हम बताएंगे आपको कि ये मशीन क्या काम करती है और ये क्या काम है। और अभी हम आगे पहुंचने वाले हैं, इसमें जो है हमारा चार टनल है। अब कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं और वहां हम आपको बता देंगे कि यहां चार टनल है। और जो मैं मशीन अभी लेके जा रहा हूं, इसका नाम है एच सीरीज का व्हील लोडर, एक L120H वोल्वो का व्हील लोडर है ये, साइड डम। देखो फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक मशीन और आ रही है, और ये है बूमर। ये बूमर जो है ड्रिलिंग का काम करती है, और उसके बाद जो है हमारा फेज ड्रिल होके उसमें एक्सप्लोजिव लोड होता है, फिर उसके बाद जो है हमारा ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद मकिंग आती है, और मकिंग जो है हम इस व्हील लोडर से उठाते हैं और गाड़ियों में शिफ्ट करके जो है। अभी देखो यहाँ, अब हमारा जो है दो पाइप्स इधर जा रही है ये डक्ट की, ये देखो इधर, देखो फ्रेंड्स एक टनल इधर जा रही है इस साइड, ये है ईटी टनल स्कैप टनल, लेफ्ट साइड जा रही है। और फ्रेंड्स देखो, अब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये जंक्शन है, ये दोनों मेन टनल है, एक राइट साइड जा रही है और एक राइट साइड जा रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है। और ये जो है ट्रांसफार्मर का कंट्रोल है, इस साइड जो है ये है MT4, और इस साइड हम दिखा रहे हैं ये है MT5 मेन टनल, मतलब MT5 का मतलब है मेन टनल, ये जो है रेलवे की मेन टनल है। और फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं MT5 की तरफ, आज हम दिखा रहे हैं आपको MT5। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये मशीन खड़ी है, ये है अपना शॉर्टकट मशीन है,
TCR को बोला जाता है। और यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ जो है अपना गैस कटर है, ये नीचे सिलेंडर है, ये गैस कटर होता है, और यहाँ वेल्डिंग का काम किया जाता है। और इसके आगे जो आप देख रहे हैं उस साइड टैंक है, ये है हमारा ऑक्सीजन टैंक, और ये जो है हमारा गाड़ी है। गाड़ी ये ब्रेक डाउन हो चुका है, इसका जो है पीछे का डाला टूट चुका है। और इसके आगे अब हम दिखा रहे हैं, ये देखो फ्रेंड्स, हमारा जो है अंदर से वेस्ट जितना भी पानी आ रहा है वो हमारा यहाँ इकट्ठा होता है। ये देखो नीचे पंप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ये पंप दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ डिवाटरिंग होता है और डिवाटरिंग होके बाहर जाता है। हाँ जी, और ये जो है हमारा साइड से ड्रेन है वाटर का, वेस्ट वाटर का। और अब आप ये बोल रहे होंगे कि यहाँ ये क्या है इस साइड, अब आपने चार टनल तो दिखा दिए, पर अब ये कौन सी टनल है? ये सीपी है, ये हमारा क्रॉसिंग के लिए भी है, और इसका यहाँ गाड़ियाँ भी हमारी मुड़ती हैं, जैसे पीछे आगे जाने के लिए जो हमारी है टर्नआउट, यहीं गाड़ियाँ करती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, अब आप बोल रहे होंगे कि ये साइड में डब्बे जैसे क्या है, ये इधर आगे के हैं, ये सारे कंट्रोल पैनल हैं इलेक्ट्रिकल के, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल पैनल हैं। और इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करें, ये चार धाम योजना ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट हमारा जो है बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अभी जो है हमारे 1.5 किलोमीटर से ऊपर जो है कम से कम 1 किलोमीटर 700-800 मीटर ये टनल बन चुकी है, एक साइड इस साइड और एक साइड डाउन साइड। जैसे हम उधर बोल चुके हैं आपको पहले कि उधर MT4 है और इधर MT5, MT5 की भी हमारी जो है बाहर से लगभग 1 किलोमीटर 700-800 मीटर के करीब जो है लगभग बन चुकी है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो है पूरी लाइटें हमारी जली हुई हैं, और कुछ देखो रोड हमारा ख़राब होता है कई बार, ये किसकी वजह से होता है इसको बहुत बार हम तैयार करते हैं, पर ये जो है मतलब लोड गाड़ियों के कारण जो है हमारा रोड ख़राब रहता है। और इसमें जो हमारा पानी निकल रहा है जैसे ऊपर से सीवरेज हो रही है, तो यहाँ जो है ये टनल का मतलब उसकी वजह से जो है हमारा ये रोड ख़राब होता है। और फ्रेंड्स, जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड है मतलब इसमें दो गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं एक और चीज़, देखो अंदर इतना काम चल रहा है, इतने वर्कर हैं हमारे, एक शिफ्ट में कम से कम 200 वर्कर काम कर रहे हैं। और ये जो आपको टैंक दिख रहा होगा, ये टैंक है वाटर टैंक, जहाँ से हम पानी पीते हैं, ये नेचुरल पानी है, ऊपर से इसकी टेस्टिंग की गई है, और ये हमारा वाटर टैंक है। हाँ जी, और अब हम आपको आगे और भी दृश्य दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे साथ में ही पाइप, ये देखो फ्रेंड्स, हमारे बराबर में एक गाड़ी क्रॉस हो रही है, देखो डबल रोड है यहाँ पे, और ये गाड़ी क्रॉस हो रही है। अब आप बोल रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसका जो है पीछे साइड ये खुला क्यों रखा हुआ है डाला, देखो फ्रेंड्स, ये जो है टनल की मकिंग के लिए जो है हमारा पीछे से मतलब गाड़ी ये खुला ही रहता है। खुला क्यों रखते हैं, इसका डाला क्यों नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारे जो है अंदर जब ब्लास्टिंग होती है तो बड़े बड़े बोल्डर निकलते हैं कई बार, तो ये बोल्डर जो है हमारे अगर हम डाला लगाते हैं तो ये जो है पीछे फंस जाते हैं। और ये गाड़ी है स्क्रू गाड़ी, ये भारत बेंच की गाड़ी है। और यहाँ जो आपको दिख रहा था, यहाँ पहले हमारे एक ट्रांसफार्मर रहता था, अभी उसको आगे शिफ्ट किया है, अभी वो भी दिखाएंगे हम आपको। और अब दूसरी बात ये है कि आप यहाँ बोल रहे होंगे कि अभी हमने पीछे जो है सीपी थोड़ी छोटी देखी है, ये CP14 है 40 नंबर, और ये जो है ये भी इतने मेन टनल के बराबर ही है। और उधर आप देख रहे होंगे सामने वो क्या है, वो भी एक टनल बनी हुई है, ये है टेक्निकल रूम, ये है इमरजेंसी, जब रेलवे का कुछ भी फॉल्ट पड़ेगा तो उसमें जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। और उसके इधर जो दिख रहा है आपको वो दो इधर इस साइड है सीपी, और आगे हम आपको क्या होता है, आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको आगे भी दिखाते हैं। ये देखो हमारा अभी यहाँ सिंगल पाइप्स
आ गया ऊपर, ये जो है डक्ट पाइप है, डक्ट इसको बोलते हैं, वेंटिलेशन डक्ट। और अभी जो है हम आगे भी और कुछ दिखाएंगे आपको, और हमारे साथ जो है बने रहे। देखो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा एक मशीन है, ये यूनि ग्राउट है, ये ग्राउटिंग करता है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, अभी हम आगे पहुँच चुके हैं और अब हम आपको बता रहे हैं, आप बोल रहे होंगे कि ये अब धुआं किस चीज़ का है पीछे। देखो फ्रेंड्स, अभी जो है ब्लास्ट हुआ है यहाँ, तो इस करके जो है ये थोड़ा गैस बनी रहती है कुछ टाइम तक, जैसे आधा पौन घंटा एक घंटे तक, और उसके बाद जो है ये वेंटिलेशन के जरिए जो है हमारी गैस बाहर चले जाएगी। अब फ्रेंड्स, आप ये बोल रहे होंगे कि ये साइड में क्या रखा हुआ है, ये फ्रेंड्स एक ब्लोअर मशीन है, ये इससे ही हमारी वेंटिलेशन होती है। और अभी आगे जो है हमारी 1.5 किलोमीटर से ऊपर साइड चले गई है और हमारे को वेंटिलेशन में आगे थोड़ी कमी हो रही है, तो इसलिए जो है इसको आगे लगाया जाएगा। और देखो ये गाड़ी उधर फिर सीपी में खड़ी हुई है और यहाँ से फिर क्रॉसिंग हो गई। करीब ये सीपी जो है 200-300 मीटर में जो सीपी होती है। ये बोल रहे होंगे कि ये जेसीबी का इतना छोटा मशीन क्या कर रहा है, ये हमारा 81 जेसीबी का मशीन है, मिनी मशीन। इसका जो है काम हमारा टनल में है, जो मिनी टनल में होता है, और जो हमारी नाली नुली बनती है इसमें हमारा काम है। आप बोल रहे होंगे कि इतनी बड़ी टनल है और इतनी छोटी मशीन का क्या काम है। और इसके बाद ये हम दिखा रहे हैं क्वालको की मशीन आपको। ये क्वालको की मशीन जो है हमारी SK220XTLC है, और ये हमारी दोनों साइड काम करती है। ये ब्रेकर रखा हुआ है इसका साइड में, और ये है कपलर वाली मशीन, और इसमें कभी बकेट लगाया जाता है, कभी ब्रेकर लगाया जाता है। पर कभी हम आपको इसकी भी वीडियो बना के दिखाएंगे कि कपलर और ब्रेकर कैसे फिट किया होता है। ये बहुत कम समय में हमारा जो है फिटिंग होती है। और अब ये बोल रहे होंगे आपकी ये क्या है, ये एक हमारा ट्रांसफॉर्म है इलेक्ट्रिकल का, और इससे हमारी आगे जो है सप्लाई जाती है। और अब हम आगे और दिखा रहे हैं आपको कुछ। अब फ्रेंड्स, आप बोल रहे होंगे कि ये जो ड्रम है ये क्यों रखे हैं। फ्रेंड्स, ये जो है केमिकल के ड्रम कुछ भरे हुए हैं और कुछ खाली है। ये केमिकल्स के ड्रम, हमारा केमिकल जो है जब शॉर्ट कंक्रीट होती है, वो जो मैंने आपको पीछे मशीन दिखाई TSR नॉर्मेट, और उससे जो है शॉर्ट कंक्रीट जब होती है तो उसमें ये केमिकल डाला जाता है, और ये केमिकल के जरिए जो है हमारा आगे काम होता है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये एंगल से क्या रखे हैं, ये है LG। जब हमारा अभी लूज पोर्शन आया है अंदर, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कभी, तो ये हमारी LG लगती है अंदर इसकी रॉक स्पोर्टिंग के लिए, और उसके बाद हमारा शॉर्ट किट किया जाता है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आगे की लेवर सारी है, और ये साइड में देख रहे होंगे ये पाइप है, ये दोनों पाइप है जो आपको दिख रही हैं। पीछे आपने एक देखी होगी, इसमें मेन टनल में जब आए आपको दो दिखी, तो ये जो है एक वेस्ट की है और एक प्योर वाटर है, ये जो मशीनों में आगे काम आता। और ये आगे है हमारे रॉक बोल्ट, और ये हमारी डस्ट है, ये जो है हमारी डस्ट आगे काम आती है फेस लोडिंग के टाइम। हाँ जी, और आगे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ है जो ये पेटियाँ हैं, ये रेजिन कैप्सूल है, ये रेजिन कैप्सूल हमारे मतलब आगे काम आते हैं। और इसमें जैसे रॉक बोल्ट करते हैं हम, तो रॉक बोल्ट में पहले रेजिन कैप्सूल डालते हैं, उससे जो है सपोर्टिंग। फ्रेंड्स, अभी हम आपको लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और लास्ट पॉइंट में अभी जो आपको ऊपर दिख रहा होगा थोड़ा आप उबड़ खाबड़ देखो फेस में, अभी ये सारा लूज चला हुआ है। देखो अभी ब्लास्ट हो चुका है, और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ब्लास्ट अभी हम मकिंग करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अभी जो है ये ब्लास्ट हो चुका है, अब हम जो है लास्ट फेज तक पहुंच चुके हैं। अभी ये हमारा जो है लास्ट फेज से अभी फेज थोड़ा लूज है। अभी देखो हम जो है मशीन से काम करना शुरू कर दिया है। चलो स्वस्थ और मस्त रहें मेरे फ्रेंड्स, दोबारा हम मिलेंगे, अभी हम लोडिंग करेंगे। ओके बाय।